के साथ प्रीति सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। झारखंड में बीजेपी लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू एक सीट पर। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात की थी। बीजेपी ने राज्य की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं आजसू के आधिकारिक सूत्रों की माने तो गिरिडीह से मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर पार्टी दोबारा भरोसा जता सकती है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। आप सबको बताएं कि लोकसभा का चुनाव है, हम सब लोगों का गठबंधन नैसर्गिक है, पहले से ही चल रहा है। तो चुनाव के एक अनौपचारिक जिसको बोलते हैं वार्ता के लिए हम सब लोग बैठे थे, ताकि औपचारिकताएं, जब हम लोग अनौपचारिक बातें हो जाएंगे तो फिर औपचारिकताएं फिर बाद में हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि तो पूरा प्रदेश में हम सबको चुनाव लड़ना है। पूरा प्रदेश में हम लोग किस प्रकार से चुनाव लड़े, कैसे लड़े, ताकि पूरी ताकत एनडीए गठबंधन की सभी लोकसभा क्षेत्रों में एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। झारखंड में सभी सीटों पर